आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कई बार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं या कोई आकस्मिक घटना होने पर हमें तुरंत चिकित्सा सुविधा चाहिए होती है। ऐसे में जब हमारे आसपास सरकारी अस्पताल न हो या नामी अस्पतालों की महंगी चिकित्सा सुविधा एक आम व्यक्ति की पहुंच से कोसों दूर हो, तो ऐसे में हम अपने आसपास के अस्पताल की ओर रुख करते हैं ताकि समय पर सस्ते और अच्छे इलाज की सुविधा तुरंत मिल सके। जी हाँ, दिल्ली के जहांगीरपुरी रामगढ़ में स्थित आनंद माया हॉस्पिटल के 30 वर्ष पूरे होने पर अस्पताल के CMD प्रमोद कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर अस्पताल के 30 वर्षों का अनुभव साझा किया। पिछले करीब 29 वर्षों से जहांगीरपुरी और आसपास के क्षेत्र के मरीज आनंद माया अस्पताल में आकर अपना इलाज करवाते हैं। अस्पताल के CMD का दावा है कि यहां मरीजों का हर तरह से ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे OPD हो या आपातकालीन की किसी भी स्थिति के लिए। जब भी कोई मरीज यहां आता है उनका इलाज अच्छे से करने का प्रयास किया जाता है और अगर कोई मरीज ज्यादा गंभीर होता है तो मरीज को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देकर उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। आनंद माया अस्पताल के CMD प्रमोद कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों के लिए फ्री OPD का आयोजन किया जाएगा। करीब 8 से 10 विशेष डॉक्टरों की टीम प्रत्येक शुक्रवार यहां पर उपलब्ध रहेगी और मरीजों को मुफ्त OPD में चेक किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर प्रमोद कुमार से जब टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने अस्पताल के 30 वर्षों के अनुभव और किस तरह की वे सुविधाएं आगे उपलब्ध करवाने जा रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमें दिल्ली में आए 29 साल पूरा हो गया, 30 साल में हम प्रविष्ट कर गए हैं। एक यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि बड़े हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुँच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, तो हमने एक प्लान किया है कि शुक्रवार के दिन, अभी तारीख आज कितना हो गया 6, तो अभी से लेकर 5 शुक्रवार तक कंटिन्यू यहाँ OPD फ्री चलेगा। चाहे OPD हो अर्थों की हो, चाहे OPD हो बच्चों के डॉक्टर की हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट का हो, उस दिन जो डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर हैं सुबह सुबह, उनका नाम है राजीव गोयल, जो 9 से 10 मिलेंगे। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे डॉक्टर समीर काट, जिनका टाइम है हड्डी के डॉक्टर हैं, जो सरोज के हेड हैं, यहाँ आते हैं, उनका समय रहेगा 11 से 12। उसके बाद ममता छाबड़ा लेडी डॉक्टर 12 से 1। उसके बाद डॉक्टर मिलेंगे आपको यहाँ पे CM अरोड़ा, उनका टाइम रहेगा 4 से 5। उसके बाद डॉक्टर आर प्रासर जो जयपुर गोल्डन में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, उनका रहेगा 5 से 7। उसके बाद मिलेंगे डॉक्टर 5 बजे मिलेंगे दूसरे डॉक्टर एक और है, उनका नाम है डॉक्टर NK कुलकर्णी, जो सर्जन हैं, हर तरह की सर्जरी करते हैं। उसके बाद मिलेंगे अनिता गोयल, उनका भी टाइम 5 से 6 का है। इस बीच में एक डॉक्टर हैं नरेश बब्बर जो उस दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेंगे, और साथ में मैं डॉक्टर प्रमोद सबकी सेवा में मौजूद रहूँगा। सर आपके हॉस्पिटल में कितने टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके? मेरे यहाँ 29 साल पूरा हो चुका है, 30 में हम प्रवेश किए हैं। तो सर जब आपने शुरुआत करी तब कितने बेड का था, आज कितने बेड का हो चुका है, अगर थोड़ा डिफाइन करें? शुरुआत की बात करें तो हम बिल्कुल यहाँ 0 पे आए थे, कोई बेड नहीं था, हमने OPD से शुरू किया था। आज भी OPD हमारी वैसे ही है, जो इसमें जितने हम कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं, बाकी बड़ों लोग के साथ में भी हैं और कमजोर के साथ में भी हैं, इसलिए हमें एक बड़े लेवल का हॉस्पिटल बनाना पड़ा कि उसमें बड़े लोग का या बड़े सुविधा नहीं दे पा रहे थे, वो छोटा था, उसका भी नाम है आनंद माया मल्टी आनंद माया प्राइवेट लिमिटेड, जो रामगढ़ में अंदर है। तो हमें बाहर आना इसलिए पड़ा कि वहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने दूसरा बनाया, इसका नाम है आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी। क्या क्या यहाँ पे सुविधा रहती है मरीजों के लिए? 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर हर समय MBBS होते हैं, 1 मिनट के लिए भी गैपिंग नहीं है। कोई भी पेशेंट कितने बजे भी आए, कुछ भी अगर ऑपरेशन करना है रात को 2 बजे तो 2 बजे होगा, लेडी डॉक्टर को 2 बजे चाहिए तो 2 बजे आएंगे। अर्थों की सुविधा, बच्चों की सुविधा, डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड का टाइम है, अल्ट्रासाउंड भी अपने होता है, एक्सरे, लैब 24 घंटा सुविधा है। और हम खासकर प्रयास किए हैं कि शुक्रवार को आने वाले लोगों के लिए 50% डिस्काउंट रहेगा लैब में। अभी जो 50% आपने मतलब पूरी तरह से निशुल्क नहीं है, मतलब जो आएंगे 50% रहेगा? नहीं, OPD में कोई पैसे नहीं देने हैं। जैसे OPD का डॉक्टर का 300 रुपया फी है, उस दिन कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना OPD का फी।
सुबह से शाम तक कोई फी नहीं लगेगा आनंद माया मल्टी स्पेशलिटी में। बट जो टेस्ट होंगे वो चाहे तो बाहर करा लें, यहाँ कराते हैं तो सब 50% डिस्काउंट दें। कि कोई भी काम अगर दिल से प्रयास किया जाता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब काम संभव है अगर आप उसे दिल से करते हैं तो, और उसमें आप लगन के साथ करते हैं। किसी भी चीज को जीतने के लिए तीन चीज चाहिए। पहला चाहिए जुबान, दूसरा जुगाड़, जुबान जुगाड़ और सबसे बड़ा चीज है जनून। अगर तीन जे आपके लाइफ में है तो आप किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते, चाहे आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। और जो चाह कायर लोग हार जाते हैं, गिर गए या कोई परेशानी आई, थक गए तो वहीं रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब कितने मरीज आते हैं यहाँ पर जो पर डे बात करिए? कम से कम ये मान के चलिए कि इस हॉस्पिटल में कम से कम रोज का 100% करीब में ओपीडी में आते हैं, जिसमें 15-20% रोज एडमिट रहते हैं। पुराने वाले में जो है वो चैरिटेबल टाइप की है, वहां पर भी कम से कम 150-200 ओपीडी होती है। अच्छा, पैनल की भी कोई सुविधा है? हाँ, बहुत सारे पैनल की, 15 पैनल अभी नए आए हैं, तो जिनको भी पैनल की ले रखा है वो आकर मिले, वो भी यहाँ कैशलेस है सुविधा। मैंने बाहर ही पूछ दिया है। देखिए डॉक्टरी ऐसी चीज है कि जो कहता है कि मैं मरीज को ठीक कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ, वो डॉक्टर हमारे समझ से वो समझदार नहीं है। कि दो चीजें ऐसी हैं, डॉक्टरी और वकालत, कि जिसके नाम पे लगता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस का अगर शुद्ध हिंदी बात करें तो सीखना होता है, अभ्यास करना होता है। और जब डॉक्टर मर जाता है तभी कहते डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, मतलब सीखते सीखते वो मर गए, वो पूरा नहीं हुए। वकील साहब भी प्रैक्टिस कर रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो डॉक्टरी में हर समय चैलेंज है। अगर हर पेशेंट को भी उसी निगाह से देखिए कि ये सीरियस है, कभी भी आप नॉर्मल समझ के उसको ट्रीट मत कीजिए या छोटा बीमारी समझ के ट्रीट मत कीजिए, तो बड़ा बीमारी का रूप ले लेगा। तो हम हर समय अलर्ट रहते हैं, प्रयास रहता है कि हम किसी भी पेशेंट के साथ कोई मिसबिहेव ना करें, और उसके साथ जो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा बिहेवियर, सबसे चीज होती है कि हम किसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। पेशेंट को लगे कि हम हॉस्पिटल में नहीं घर में हैं, डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। और होता क्या है कि आप 100 मरीज देख रहे हैं तो आप 100 के 100 ठीक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बाकी हॉस्पिटल सब बंद हो जाएगा कि सब लोग फिर यहीं आएगा। तो कुछ पेशेंट होते हैं 2-4% जो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वो लक की बात है। लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं। अपने आईसीयू नहीं था उसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, लिफ्ट नहीं था लिफ्ट लग चुका, तो सारी सुविधा हम दे रहे हैं, सब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ एक है कि मेरे कंपटीटर 3 लोग हैं बस, जिनसे हम कंपटीशन लड़ते हैं, वो जानते भी नहीं कि मैं कंपटीशन में हूं। पहला है अपोलो, दूसरा मैक्स, तीसरा फोर्टिस। उससे थोड़ा बड़ा बनाने का मेरा प्लान है कि एक बार पेशेंट की एंट्री हो गई तो सब कुछ यहीं पे होगा, उसको आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं, उसका जितना ट्रीटमेंट है सब यहीं पे हो जाएगा, सारी व्यवस्था आनंद माया में हो जाएगा। ये मेरा प्लान है। मैं इतना कहूंगा किसी भी डॉक्टर को, या जो नाम दे दें, सब डॉक्टर का फर्ज है कि उसका एक बाउंड्री है कि हम इतना तक देख सकते हैं, ये इतना मैं जानता हूं, तो जितना जानते हैं उतना ही बड़ा मरीज को देखें, और उसके आगे देखते हैं तो ये गलत है। चाहे कोई भी मरीज का जान बचाना पहला काम है, तो हम सबसे पहला ध्यान देते हैं कि मरीज सीरियस है, तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारे पास पूर्ण सुविधा है तो हम यहाँ रखते हैं, और नहीं तो फर्स्ट एड दे के उसको हम बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ रहने लायक है, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो इसका इलाज हम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि कोई भी डॉक्टर या अस्पताल मरीज का इलाज अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आनंद माया अस्पताल के CMD प्रमोद कुमार ने मरीजों को राहत देते हुए शुक्रवार के लिए मुफ्त OPD करने का ऐलान किया है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय कदम है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।